हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम देखेंगे कि हम कैरेक्टर स्केच कैसे करें, कोई भी अगर जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही हर जगह पूछा जाता है, या लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये कैरेक्टर स्केच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो एक ना एक कैरेक्टर स्केच से क्वेश्चंस रहेंगे ही आपके एग्ज़ाम में। तो ये समझना होगा कि आपको कैरेक्टर स्केच कैसे करना है कि वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगे और साथ ही साथ वो बहुत ही स्कोरिंग भी हो और आपकी राइटिंग स्किल को वो शो करे इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। सो आज वही हम देखेंगे। और इसके लिए आपको एक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो मैंने बताया कि आप कैसे एक आंसर तैयार करते हो, तो इसका भी फॉर्मेट वही होगा। जो रफ ड्राफ्ट है आपके आंसर का, वो है एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए। सो अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन एंड बॉडी एंड कंक्लूजन कैरेक्टर स्केच या कैरेक्टर एनालिसिस में आप कैसे तैयार करते हो, कि कैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी बॉडी में आप क्या क्या डालोगे आंसर की, एंड व्हाट अबाउट कंक्लूजन, आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे अगर आपके पास कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी भी कैरेक्टर स्केच को करने से पहले, अगर आप नोट्स बना रहे हो या फिर अगर आप अपने लिए कोई असाइनमेंट तैयार कर रहे हो, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिफोर यू मेक अ कैरेक्टर स्केच और राइट अ कैरेक्टर स्केच, उसके लिए पहले इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है। अब ये व्हाट इज़ इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन? इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में सबसे पहले आप देखेंगे कि जिस कैरेक्टर का भी आप कैरेक्टर स्केच करने जा रहे हो वो क्या बोल रहा है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट सुनिए। उसके स्टेटमेंट जब आप सुनोगे, उसके स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे जो वो किसी अदर कैरेक्टर से बोल रहा है ड्रामा में या नॉवेल में, तो वो उसकी स्टेटमेंट कैसे हैं, वो उसको प्रोटैगनिस्ट के कैटेगरी में खड़ा कर रहा है, एंटैगनिस्ट के कैटेगरी में खड़ा कर रहा है, ओके? किस तरीके का पर्सन है वो उसकी स्टेटमेंट शो करते हैं। जो स्टेटमेंट एक कैरेक्टर देता है वो उसके पूरे कैरेक्टर का मिरर होता है। उससे आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके का कैरेक्टर है, ग्रे है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, सिंपल कैरेक्टर है, किस तरीके का कैरेक्टर है, किस तरीके का थॉट प्रोसेस है उसका। दूसरा इंपॉर्टेंट कि वो किस तरीके से सोच रहा है। कहना और सोचना इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। हम बोलते कुछ हैं बट हम सोचते कुछ हैं। सो इसमें जो थिंकिंग वाला प्रोसेस है, उसमें जैसे मोनोलॉग्स जो होते हैं, जो वो खुद से बात करता है, दैट इज़ कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन जब वो दूसरों से कुछ बात बोल रहा है, दूसरे कैरेक्टर से जब वो बात बोल रहा है, तो दैट इज़ कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि वो कैरेक्टर बोल क्या रहा है, वो कैरेक्टर सोच कैसे रहा है, वो कैसे दूसरे कैरेक्टर को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो किस तरीके से, उसका कौन सा एक्शन किसी दूसरे कैरेक्टर को इफ़ेक्ट कर रहा है, या दूसरे कैरेक्टर के लाइफ में वो किस तरीके से इनपुट डाल रहा है, या उसको किस तरीके से वो हार्म कर रहा है। सो ये तो कुल मिला के ये जो चीज़ें होती हैं, ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस होती है कैरेक्टर की, ओके? तो फिर आप इस तरीके से उस किसी भी कैरेक्टर का, जिसको आपका कैरेक्टर स्केच प्रेजेंट करना है, उसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस करिए। फिर आप उसके एक्शन को देखिए कि उसका एक्शन किस तरीके का है, वो किस तरीके का एक्शन लेता है अपने लाइफ में, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। वो जो एक्शन लेता है, जो कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं या मेजर टर्न होते हैं जो कैरेक्टर के लाइफ में आते हैं, तो वो उसके किसी एक्शन से होता है। और उसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो कि वो किस तरीके का दिखता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, एज क्या है, वो एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका कलर क्या है, वो उसके हेयर्स कैसे हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शंस जो है आपको ऑथर अपने कैरेक्टर के बारे में देता है। तो ये चीज़ें भी, जो फिजिकल फीचर है उस कैरेक्टर की, वो भी कैरेक्टर स्केच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करती है। अब ये जब आप फिजिकल अपीयरेंस और जो साइकोलॉजिकल फीचर्स अगर आपने कैरेक्टर की देख ली, उसको एनालिसिस किया, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको पाँच ले लीजिए या छः कुछ एडजेक्टिव्स निकालने होंगे उस कैरेक्टर से रिलेटेड, कि वो किस तरीके का कैरेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, वो मर्सीफुल है, वो बहुत ही क्रूएल है, वो किस तरीके, तो ये कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, वो क्यूट है, वो
क्रूएल कैरेक्टर है, वो एंटेगनिस्ट है, वो उसके अंदर मतलब दया नहीं है, वो इस तरह में, तो ये जितनी भी एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो सारे एडजेक्टिव्स जो हैं आपको हाईलाइट करने होंगे, आपको उसका एक लिस्ट बनाना होगा कि अगर हम इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, फॉर सपोज कि अगर हम हैमलेट को देख रहे हैं, तो हैमलेट के कैरेक्टर में हमें क्या क्या दिखता है, ठीक है, वो कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, वो अपने थॉट को लेके क्लियर नहीं है, उसके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए अपनी मदर के लिए हेट्रेड है, ठीक है, तो ये कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं कैरेक्टर की, उसको आपको नोट डाउन करना है, उस एडजेक्टिव को, ठीक है, एक एडजेक्टिव उठाइए कि वो किस तरीके का कैरेक्टर है, और उस एडजेक्टिव को आपको नोट डाउन करना है, और उस एडजेक्टिव से मिलता जुलता स्टेटमेंट जो उस एडजेक्टिव को प्रूव करे, टेक्स्ट से उठाना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कहा कि हैमलेट वॉज कन्फ्यूज्ड, ठीक है, या वो कंफ्यूज है, तो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अगर वो अपने मदर को हेट करता है, ठीक है, तो फर्टिलिटी दाई नेम इज विमेन, तो ये सारे स्टेटमेंट है जो उसका रिप्रेजेंट करता है कि वो किस तरीके का इंसान है, और टेक्स्ट से ही उठा के मैंने ये स्टेटमेंट जो है उसका एडजेक्टिव को प्रूव किया, कि अगर मैंने ये एडजेक्टिव निकाला है तो ये उसका प्रूव है कि मैंने इसलिए ये एडजेक्टिव निकाला है, ठीक है। तो आपको कोई भी कैरेक्टर का, अगर आप कोई फीचर निकाल रहे हो या कुछ उससे एडजेक्टिव निकाल रहे हो उसका, तो आपको दो तीन, बहुत अच्छा होगा कि अगर आप दो स्टेटमेंट निकाल सको, अदरवाइज एक ही स्टेटमेंट से भी काम चल जाएगा। आप एटलीस्ट वन पीस ऑफ सपोर्टिंग टेक्स्ट एविडेंस होना चाहिए आपके एडजेक्टिव के लिए, जो भी आपने उसकी क्वालिटी निकाल के रखी है। अब उसके बाद होगा कि फिर आप सेपरेटली उसको रिसर्च करिए कि मान लीजिए कि अगर मैंने हैमलेट को उठाया, तो हैमलेट के अलावा जो शेक्सपियर के अदर वर्क हैं, लाइक मैकबेथ, लाइक ओथेलो, सो लाइक किंग लियर, तो अब हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि हाउ हैमलेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैकबेथ, हाउ हैमलेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओथेलो, हाउ हैमलेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम किंग लियर, गॉट इट। सो ये एक प्रोसेस होता है जब आप कंपेयर करते हो उस कैरेक्टर को अदर कैरेक्टर से जो उसी ऑथर का है। और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि उसी तरीके का सिमिलर कैरेक्टर अगर आपको किसी और वर्क में नजर आए, किसी और ऑथर के या किसी और लिटरेचर में भी, तो ये एक एडिशनल पॉइंट होता है। Like, अगर हमें मैकबेथ का कैरेक्टर देखना है, तो मैकबेथ का कैरेक्टर से मिलता जुलता आपने कहीं किसी और वर्क का अगर कैरेक्टर देखा है कि इसी तरीके का कैरेक्टर, तो ये भी लग रहा है, तो उस चीज को भी आपको अपने नोट्स में शामिल करनी होगी। तो ये जो चीज होती है, ये होता है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। बिफोर राइटिंग द कैरेक्टर स्केच, आपको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। So, अगर आप इन प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो और फिर एक रफ नोट तैयार करते हो, तो उसको जब आप फ्रेम करोगे अपने आंसर में, अपने फाइनल आंसर में या फाइनल कैरेक्टर स्केच में, तो योर आंसर इज जस्ट ऑसम, मतलब बहुत ही अच्छा आंसर तैयार होता है। तो अब जो आपकी बॉडी है आंसर की, वो किस तरीके से दिखेगी। सो फाइनल ड्राफ्ट जब आप तैयार करोगे, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हो, सबसे अच्छा होता है कि अगर आप उसी कैरेक्टर का, जिस कैरेक्टर का आपको कैरेक्टर स्केच करना है, उसका एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने वहाँ पे रख दिया, और फिर आप अपने एग्जामिनर से बोल रहे हो कि इस कैरेक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ओके, सो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट दैट कैरेक्टर जो उसने दिया है, अगर वो मेन कैरेक्टर है तो। सो वो कैरेक्टर के कुछ एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आप मेड करिए, और फिर आप आगे बताइए कि हम लोग इस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि इस ड्रामा में है, इस ड्रामा को इस ऑथर ने लिखा है, या इस नॉवेल को इस ऑथर ने लिखा है। और उसके बाद कि दो तीन लाइन में आपको ये बताना है कि वो पर्टिकुलर पूरा वर्क किसके बारे में है, और फिर थोड़ा सा ब्रीफ उस कैरेक्टर के बारे में कि ये कैरेक्टर इसका प्रोटैगनिस्ट है, या ये शेक्सपियर का सबसे
ऑसम कैरेक्टर है, वो वट एवर दो ये सारे सेंटेंस होते हैं एक दो, वो करके रैप अप करेंगे आप इंट्रोडक्शन एंड फिर आप बॉडी के ऊपर आइए. राइट, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट कि आप अपना आंसर कैसे शुरू कर सकते हो. अगर आपके पास ये सबसे आसान तरीका होता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सबसे पहले आपने पुटअप किया, ये इस कैरेक्टर के इस एक्ट के इस सीन का ये स्टेटमेंट है और इसी कैरेक्टर के बारे में हम कैरेक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, ये कैरेक्टर जो है शेक्सपियर के इस पर्टिकुलर वर्क का मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट है या एंटैगनिस्ट है, और ये जो पूरा वर्क है ये डिपेंड अपॉन जो भी जिसके बारे में भी वो वर्क है इसके बारे में है, और उसमें इस कैरेक्टर का ये योगदान है. राइट, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब अगर आपके पास अगर आपको लगता है कि कोई और कोटेशन से अगर आप शुरू करना चाहते हो, सो फॉर सो गुड, इट इज़ योर ऑप योर टोटल योर चॉइस. आप जिस तरीके से शुरू, अगर आप कोई एनेक्डॉट्स दे सकते हो तो उससे भी आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो. बट मैं इसी तरीके से लिखती थी कि एक स्टेटमेंट मैंने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से उठाया और फिर मैंने इस तरीके से. अदरवाइज इंट्रोडक्शन में आप कोई और कोटेशन भी डाल सकते हैं या किसी क्रिटिक का अगर आपको व्यू मिल जाए उस कैरेक्टर के बारे में कि किसी क्रिटिक ने ये चीज़ बोली है इस कैरेक्टर के बारे में और उसी कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं. राइट, सो दिस इज़ द वे टू स्टार्ट योर आंसर. इससे ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि नहीं बच्चे ने पढ़ाई की है. राइट, तो अगर आप किसी स्टेटमेंट से शुरू करना चाहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि किसने किसके बारे में क्या बोला है. क्रिटिक्स को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी. सो ये तरीका होता है इंट्रोडक्शन लिखने का. अब अगर आपकी बॉडी देखें आंसर की, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने पहली एडजेक्टिव जो आपने फाइंड आउट की है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में, आप उस एडजेक्टिव को इंट्रोड्यूस करोगे रिगार्डिंग दैट कैरेक्टर कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं एक्स वाई जेड वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन दैट लाइन. फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट एविडेंस प्रेजेंट करना होगा कि दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ दैट एडजेक्टिव विच वी फाइंड इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. और उसके बाद यू हैव टू प्रोवाइड सम कमेंट्री अबाउट हाउ द एविडेंस प्रूव्स द एडजेक्टिव कि किस तरीके से जो आप कह रहे हो वो मिल रहा है. राइट, सो ये तरीका होता है अपनी बात को आगे रखने का. और फिर आप रैप करोगे उसको थोड़ा सा एक दो लाइन से और फिर आप नेक्स्ट एडजेक्टिव पे पहुंचोगे, दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में. राइट, सो इस तरीके से अगर आपके पास 5 एडजेक्टिव्स हैं तो आपके 5 पैराग्राफ बन जाएंगे सिर्फ बॉडी के, अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. ओके, अब कंक्लूजन की बारी आती है, तो वही प्रोसेस आप रिपीट करोगे, एडजेक्टिव 1, एडजेक्टिव 2, एडजेक्टिव 3, एडजेक्टिव 4. ठीक है, सो एक चीज़ याद रखिएगा कि फिजिकल जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हर राइटर अपने कैरेक्टर को जब स्केच करता है नॉवल में या ड्रामा में तो वो देता ही देता है. और वो बहुत ही इजी होती है कि कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट आपने निकाला और फिर आपने उसी को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके लिख दिया और फिर उसको एज ए प्रूफ प्रेजेंट कर दिया कि ऑथर ने क्या लिखा है. तो दैट इज़ वेरी वेरी ईजी टू स्केच द फिजिकल अपियरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, और वो बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है. तो उसको आप डेफिनेटली ऐड करिएगा, फिजिकल अपियरेंस मत मिस करिएगा किसी भी कैरेक्टर का. सेकेंडरी होती है उसकी फिजिकल के बाद उसकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस, उसका एक्शन टेकिंग मोड, वॉट एवर द कैरेक्टर इज, वो किस तरीके का है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कैरेक्टर है, ग्रे है, या पूरा नेगेटिव है या पूरा पॉजिटिव है, वॉट इज़ द क्वालिटी, वो पीछे आती है. बट सबसे पहले जब आप कैरेक्टर से मिलते हो व्हेन यू रीड ड्रामा और व्हेन यू रीड नॉवेल, तो आप उसको फिजिकली जानते हो कि वो किस तरीके का दिख रहा है. उसके बाद आप उसके मेंटल प्रोसेस पे पहुंचते हो. राइट, तो उसी तरीके का आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है. उसके बाद कंक्लूजन पे आप आते हो, तो कंक्लूजन में क्या लिखते हो, व्हाट यू फील अबाउट दैट कैरेक्टर. तो अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि हम अगर बहुत अच्छे एनालिसिस नहीं कर पाए या हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस लाइन में क्या लिखें. लोग अक्सर बोल जाते हैं कि व्हाट यू फील, ये लिखिए कि व्हाट यू फील अबाउट दैट कैरेक्टर, या व्हाट यू फील अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, या व्हाट यू फील, आपकी क्या फीलिंग है आप उसको कन्वे करो. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम वही लिखते हैं जो किसी क्रिटिक ने बात बोली है.
ओके सो इसमें आप अगर कोई क्रिटिक की आपने बुक पढ़ी है या किसी अदर ऑथर ने उसके उस उसके बारे में कुछ बोला है तो अगर उसी को आप थोड़ा सा मोल्ड करके लिखोगे तो वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा. इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या समझते हो. इसमें बस आपको वही लिखना है कि अगर एक दो अच्छे ऑथर का आपने बुक पढ़ा. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन करिए, नोट्स मेकिंग प्रोसेस करिए, गो टू द लाइब्रेरी एंड इशू सम बुक्स जो कि रिगार्डिंग इसके ऊपर है किसी और ऑथर का. अब अपने टीचर से बोलिए कि कौन कौन से बुक्स हैं जो मुझे इस पर्टिकुलर वर्क पे मिल जाएंगे लाइब्रेरी में. राइट तो आप जाइए उस पर टाइम दीजिए. उसमें जब आप उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ोगे जो कि इसकी एक तरीके से स्टडी आई हुई है या किसी ने इस पर अपनी कुछ बातें लिखी हैं, कुछ कमेंट्री दिया है, कुछ क्रिटिसिज्म किया है, तो वहाँ से एक दो लाइन आपको ऐसी मिल जाएगी जो आप इसमें लिख सकते हो व्हाट यू फील अबाउट दैट कैरेक्टर. उसके बाद फिर आपको कंपेयर करना है कि हाउ दिस कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर. जैसे अगर हैमलेट की बात करें तो हैमलेट मैकबेथ से कैसे अलग है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हैमलेट में है और मैकबेथ में नहीं है. ये भी आपको जब आप किताब पढ़ोगे रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म पढ़ोगे या कुछ अदर बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलती हैं. क्योंकि कोई भी बड़ा जब उस पर एनालिसिस करता है, उसको पढ़ता है, तो वो कंपैरिजन करता है कि अगर हैमलेट का कैरेक्टर इस तरफ जा रहा है, उसका जो ग्रेड है वो या उसका जो ग्राफ है वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये कैसे मैकबेथ से अलग है. ये चीज़ें भी आपको वो बुक में मिल जाएंगी. और जब आप ये सारी चीज़ें अपनी कंक्लूजन में डालोगे और फाइनली आप रैप करोगे अपने आंसर को, तो फिर राइटर जो फिर जो एग्जामिनर होता है ना, उसको लगता है कि नहीं बच्चे ने पढ़ाई की है. राइट सो दिस इज द वे टू डू द कैरेक्टर स्केच और कैरेक्टर एनालिसिस इन एग्जाम. और आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा. इन शॉर्ट में अगर आपको लिखना है, अगर वेरी शॉर्ट आंसर में कैरेक्टर स्केच पूछ दिया, तो आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन विल बी सेम, बट एडजेक्टिव जो आप डाल रहे हो उसमें, अगर आप लॉन्ग आंसर में 5 एडजेक्टिव डाल रहे हो तो इन शॉर्ट मतलब आप दो एडजेक्टिव्स डाल दीजिए या 3 एडजेक्टिव्स डाल दीजिए. बट मेक श्योर कि आप उसका इंट्रोडक्शन लिखो, आप उसका कंक्लूजन लिखो. किसी भी आंसर को विदाउट इंट्रोडक्शन एंड विदाउट कंक्लूजन प्लीज़ मत लिखिएगा, अदरवाइज वो बहुत ही हैफिजेड हो जाता है आंसर और फिर उसका कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आता, फिर वो मार्क्स अच्छे नहीं आते. राइट सो यू हैव टू पुट सम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. और उसके बाद बॉडी में आप उसको कट शॉर्ट कर दीजिए. अगर आपको 5 एडजेक्टिव आपको पता है तो राइट 1 or 2 एडजेक्टिव्स, या अगर एक ही एडजेक्टिव पता है तो एक ही एडजेक्टिव को आपने डिफाइन कर दिया और फिर एक छोटे से पैराग्राफ में लिख दिया कि दिस कैरेक्टर हैज़ दिस क्वालिटी ऑल्सो. ठीक है, एक दो स्टेटमेंट दे दिया कि दिस प्रूव दिस इस तरीके से. ओके सो ये जो चीज़ होती है, ये होता है कैरेक्टर स्केच करने का तरीका. आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी. मैं ये नहीं कह रही कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू डिफाइन योर कैरेक्टर, और हो सकता है कि आप में से कोई बहुत अच्छे से भी कैरेक्टर स्केच करता है, बट मैं इसी तरीके से कैरेक्टर स्केच लिखती थी और लकीली आई हैव गॉट गुड मार्क्स. सो ये तरीका हमारे टीचर्स हमको बताते थे कि इस तरीके से आपको कैरेक्टर स्केच करना चाहिए, ये अच्छा तरीका है. सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा. अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं. और आने वाले वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.